मिलियन, आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि इस किस्म का जो वॉलपेपर होता है सही उसका तरीका क्या है लगाने का। सही इसलिए बोल रहा हूँ कि हर बंदा जब इसको लगाता है ऐसे चिपका देता है साथ, एंड दैट इज़ रियली रियली बैड, असल तरीका नहीं है। अपना जो लोग इसको बेच रहे हैं वो भी देखें क्या कर रहे हैं, कौन सी डायग्राम उन्होंने दिखाई हुई है, वो औरत उसमें जो बेचने वाली है वो भी कैसे लगा रही है। ठीक है, काफ़ी लोगों को मारे डिज़ाइन पसंद होते हैं, मुझे नहीं है। आई एम शो यू हाउ टू डू इट प्रॉपरली, सही तरीके से। एंड सही तरीका एक हो गया, दूसरा क्या है कि 250 का ये मिलता है एक, ठीक है, दराज से हमने लिया। तो ये बैकिंग इसकी होती है, ये चिपकीला होता है, एंड यू जस्ट स्टिक इट ऑन टू वॉल्स। हमने क्या करना है, ये हमारा एक शीशा होता था वो डिस्टर्ब हमें करता था, पीछे हमने लगाया फोम, आगे लगा दिया हमने फटा। फिर मैंने क्या किया, इफ़ यू कम क्लोज, मैंने ना ये लिया लेवल, और लेवल से ना ये मैंने दो लाइंस लगाई हैं, ठीक है, समझ गए, दो लाइन लगा दी एब्सोल्युटली। ये देखें, ये स्ट्रेट मैंने कर दिया, ओके, स्पिरिट लेवल लगा दिया। दीवार टेढ़ी हो सकती है, क्या कहते हैं अपना, ये जो हमारा फट्टा है वो टेढ़ा हो सकता है, लेकिन क्या नहीं टेढ़ा होगा, ये जो ईंटें हम लगाएंगे, ओके। पहली आपने ठीक लगा दी, उसके बाद इज नॉट एन इशू, ये वो आपने उतार लिया, ठीक है, उतार लिया उतार लिया उतार लिया। एक और बंदा आपके साथ हो जाए, इट वुड बी अ नाइस प्रोजेक्ट टू डू विद योर किड्स, बेगम वगैरह वगैरह। तो हमने सारा नहीं उतारना, हमने क्या करना है, थोड़ा सा ये टॉप वाला उतारना है, ठीक है, ये थोड़ा सा उतार लिया। अब हमने क्या करना है, इसको लेना है, एंड हमने ना यहाँ पे सेद रखनी है पहले। सो दूर से लेके आइएगा, वॉच दिस, बाहर से लेके आ रहा हूँ, दूर से लेके आ रहा हूँ, एंड यहाँ पे हमने सेद लगा दी, ओके। जब हमने ये सेद लगा दी ना, तो बाकी इंशाल्लाह आपका जो माल है वो बेहतरीन लगेगा। अब जो बैकिंग है इसको बेशक आप आराम से उतारते जाएँ, साथ साथ इसको चिपकाते जाएँ, एंड यू कैन सी यहाँ मैं उतार रहा हूँ, ठीक है, हमारा ये भी है, इसको भी लेके आते हैं, साइडें खुद ब खुद हो जाएंगी, इट इज़ द मिडल जहाँ पे आपने गौर करना है। हमने जो अगला डिज़ाइन लगाना है ना, हमने इसेंशली ये काट देना है। अब देखिए अगर काटेंगे कैसे, हमने काटना जब है तो फर्स्ट वी गोइंग टू अलाइन दिस, ऐसे हम अलाइन करेंगे ताकि ये जो है ना इसके साथ बराबर लगे, पता चले कि भाई ये ईंट एक ईंट इसके ऊपर जाती है। डू दैट इज ऐसे रखते हैं, तो हल्का सा इसको चलाइएगा, बहुत ही हल्का सा, हमने दोनों साइड नहीं काटनी, हमने ये जो ब्राउन पेपर है ना स्टिकी बैक, ये सिर्फ उतारना है, इसको उतार लिया हमने इसको। वी विल नाउ, हमने इसको तकरीबन यहाँ पे रखना है, इसको सीधा कर लें ऐसे, जाने से आप पकड़ के रखिए, आने नहीं, दरमियान दरमियान में आप लगाइए, लगाते जाइएगा। एंड आई थिंक इट वी बेस्ट कि हम ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है ना, इसको आगे भी चलो अंदाजन यहाँ पे ले जाते हैं, रफली अबाउट दैट, ऐसा लग गया। अब ना आप कैमरा करीब लेके आइएगा, ये आपने देखा हमने वो क्रिस क्रॉस किया हुआ है। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज, ये जो हमारी नाइफ है यहाँ दरमियान में हमने ऐसे काटेंगे, और काटेंगे ऐसे कि हमने दोनों में से गुजरना है, वी वांट टू गेट थ्रू बोथ ऑफ दीज। फिर हम इस डब्बे को निकाल देंगे, उखाड़ दिया, ठीक है। ओ जाद भाई, ये तो नीचे कट दिखाई दे रहा है, ओ पाजी फिक्र ही ना करो, आपको दिखाऊंगा इसको हमने फिक्स कैसे करना है, ओके। ले लें, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको ज़ोर से दबा दें एंड भूल जाएं कि यार आप अपना इसके नीचे कुछ है, या आप इसको वापस ऐसे ले गए, आप यहाँ से नीचे आइए। यस, वक्त लगता है, आपको सोनी चीज़ चाहिए ना तो वक्त लगेगा, मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ भी अच्छा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सो डोंट एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन बिना मेहनत के। एंड ये टाइल हमारी ये लग गई। अच्छा, अब आपको अगर मिसअलाइनमेंट नज़र आ रही है तो वॉट वी कैन डू इज़, इसको उखाड़ के थोड़ा सा ऊपर खींच सकते हैं, ठीक है, यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, ये ऊपर कर दिया, अब वो मसला नहीं रहेगा। अरे एक चीज़ आप याद रखिएगा, इफ़ यू वांट, इसको ज़्यादा मत दबाइएगा, हमारा तो उखर है, बट इन केस आपका ज़्यादा चिपला, एंड वी कैन यूज़ ग्लू एट द एंड एज़ वेल, ठीक है। अच्छा, आपको ये नज़र में ये नीचे नीचे नज़र आ रहे हैं जो नीला है ब्लू है, इसका हल क्या है अब बताऊँ आपको, आई डोंट हैव इट राइट नाउ, लेकिन हम इसको पेंट करेंगे, और जब हम इसको पेंट करेंगे ना तो जितनी भी ये बारीकियाँ हैं ये सारी छुप जाएंगी। आई कैन पेंट दिस वॉट एवर, ये वाइट है, ये आपको गैप दिखाई दे रही है, मसला ही कोई नहीं, वी विल पेंट इट। अब देखें, अभी अभी रहता है, ये दोनों रहते हैं पीस, ये तीनों रहते हैं। अभी लेना, ये इमेजिन करो कैसे लगेगा जब हम इसके ऊपर पेंट लगा देंगे, अपनी मर्जी का रंग लगा देंगे, जस्ट फिल इट अप, कंपेयर टू वो जो आपको मैंने ओरिजिनल डायग्राम दिखाई थी। हमारे पाकिस्तान में मसला ये कि हम अपना स्टैंडर्ड जो है ना गिरा देते हैं, वी नीड अ हाई स्टैंडर्ड, तो दैट कंपेयर टू दैट जहाँ पे आपको एक भी ईंट नहीं दिखाई देगी। ये मैंने टुकड़ा ना जानबूझ के छोड़ दिया,
वो जो अगले मेरे टीम मेंबर हैं उनको दिखाने के लिए कि यार वो इसके पीछे छुपा हुआ है जो आपने काटना है या ना भी काटे। अच्छा मिलियनेयर, जब इससे ऊपर आप जाएंगे ना तो आपने गलती नहीं करनी जो सारे करते हैं, जब ये रखते हैं तो डायरेक्टली ऐसे रख लेते हैं, इसकी सेध में रख लेते हैं, ये फिर वाजतन दिखाई देता कि आपने एक और प्लेट लगाई है। आपने क्या करना है, इसको हम जिस तरह हमने वहाँ पे और ऐसा हल्का सा लिया था ना, हमने इतना गहरा कट नहीं लगाना कि यार वो फोम भी कट जाए, वी जस्ट वॉन्ट द पेपर ऑफ। ओके तो हम अब उतारेंगे ये पेपर मिलियनेयर। अब जो अगला पेपर आपने लगाना है उसके लिए आप बैकिंग उतार देंगे एंड फिर आपने ऊपर सर पे रख ले, ये याद रखनी है। सो व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू बेसिकली इन दोनों लाइंस को आपने ओवरलैप करना है। तो अब क्या होगा, ये देखें छुप गई है ना, पता चलता है वही चीज़ है। आप इसको ऐसे रहने दे सकते हैं, इसके ऊपर आप, और ये देखें ये बिल्कुल बराबर जा रही है, ये बिल्कुल बराबर जा रही है, बिल्कुल बराबर जा रही है। मैंने यहाँ से अलाइनमेंट उठाई है, ठीक है, मैंने यहाँ से इस साइड से अलाइनमेंट उठाई है। अब इसको मैं बैकिंग उतारूंगा ऊपर तक, ये मैं ऐसे ले जाऊंगा, वॉच मी। अच्छा मिलियन, जब आपने ये कर लिया, छुरी लेंगे तेज सी, इसके दरमियान में से गुजरेंगे, ऐसे गुजरेंगे, गुजरते जाएं, गुजरते जाएं, गुजरते जाएं, और दोनों लेयर्स आपने काटने हैं। आई थिंक अब ना जब आप इसको पेंट मारेंगे कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो टेक आउट द वन जो इसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन यार गारा पेंट मारेंगे किसी को नहीं पता चलना कि यहाँ पे एक ज़माने में कुछ था, कोई जोर था, एंड पता ही नहीं चलेगा। ओके विल यूज़ अ ड्राई किस्म का पेंट, अगर इसको फर्ज करिए, ठीक है, ये अपनी टीम मेंबर को बताना है, तो ये लें। अगर कोई यार चिपका हुआ जो हिस्सा है वो उतर है, उसके पीछे गोंद लगा दें आप। कौन सी गोंद? समाध बॉन्ड लगा दें, बेहतरीन चिपकेगी, एंड यू जस्ट कंटिन्यू लाइक दिस। और कितना टाइम लगेगा यार, घंटा लग जाएगा आपका तरीका, यस मे बी आपको आधा घंटा बचा जाएगा, बट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको लगेगा यार मैं बकवास काम किया है। वेयर इज दिस, यू फील लाइक यार मैं कोई उस्ताद हूँ। एंड अगर आप इसको अपना शोभा भी बनाना चाहें तो यू कैन लिटरली बिकम वो फिटर जो ये चीज़ फिट करके देता है। टूल्स क्या आपको चाहिए, एक सीरी, एक क्या कहते हैं लेवल, स्पिरिट लेवल, वाटर लेवल, और एक आपको फिर चंद से ब्लेड आपको चाहिए होंगे, एंड यू डेफिनेटली नीड एन असिस्टेंट। आपको एक बंदा एक्स्ट्रा चाहिए होगा इसको चिपकाने के लिए, अदरवाइज इस पर कोई ख़तरनाक केमिकल शेमिकल कोई नहीं लगा। जब आपने कर दिया देन आप इसको पेंट मारिएगा। अच्छा मिलियनेयर, दूसरा दिन है एंड मेरे जहन में एक बेहतर तरीका इससे आया। ओके विच आई एम बेसिकली ऐसे वैसे पैकेजिंग से निकलता है, आई एम रफली गोइंग टू कीप इट यहाँ पे। पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आपने लगाना है एक कट तकरीबन यहाँ पे, ठीक है, मैंने कहा था ना हल्का सा आपने यहाँ पे कट लगा दिया। जो तब्दीली आई है ना वो ये है कि आपने यहाँ पे भी कट लगाना है, आपने हल्का सा कट लगाना है। रिमेंबर कट दोनों तरफ से ना गुजरे, सिर्फ और सिर्फ ये जो अपना बैकिंग स्टिकर है ना ये हमने उतारना है। दी ओनली थिंग वी वॉन्ट टू रिमूव इज़ ये वाला स्टिकर। कभी कभी होगा ये देखें थोड़ा टेढ़ा निकल रहा है, बट इट्स नॉट एन इश्यू। और इसको मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या है, व्हाट द अकलमंदी इसमें क्या है, ठीक है, और करने से ना बंदा बेहतर होता है। अब देखो मैंने किया बड़े अरसे बाद और मैं इंशाल्लाह कल से बेहतर आइडिया आपको देने वाला हूँ इसको लगाने के लिए। ये उतार दिया, अब मैंने इसका करना क्या है, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पर लगाता ना तो इस लाइन के दिखने का चांस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक दो ना जो कदम है हम ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने उतारा हुआ था ना वो इंशाल्लाह इसको पकड़ के रखेगा एक जगह पे। ये थोड़ा सा खींचना पड़ता है, शदीद नीचे खींचेंगे लाइक दिस। अब जब हम ये काटेंगे ना, ये फर्ज करिए हम ये वाला पीस निकाल रहे हैं, हमारे लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। अब चिपक नहीं रहा, हमें उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करते हैं इसको यहाँ से निकाल देते हैं, ये उखाड़ लिया। लेकिन जब हम आप चाहेंगे ना कि हम इसको लगाएं तो वी कैन लिटरली ये लो जी, और बेहतरीन तरीके से अपनी मर्जी से हमने इसको चिपका दिया, समझ गए ना। एंड आई विल डू द सेम थिंग हारे के साथ करेंगे तो वो ईंट का डिज़ाइन बेहतरीन हो जाएगा। रिमेंबर याद रखिएगा ये जितना फालतू है ना इंशाल्लाह गारा पेंट जब हम इसके ऊपर मारेंगे नज़र ही नहीं आना। अच्छा अगर आप सोच रहे हैं कि इसके ऊपर कौन सा पेंट लगेगा, आम दीवार वाला नॉर्मल इमल्शन इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। एक होता है थोड़ा पाउडरी टाइप, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो लें, क्यों, वो पुटी की पुटी और अपना पेंट का पेंट, वो जितनी ये सुराख होते हैं ना वो गारा होता है इसमें फिट आ जाता है,
और आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपने करना है बिल्कुल इस जोड़ पे करिएगा, इसकी सेध करिएगा, ताकि हम सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा ना पीस उतारें एंड हमें फिर बाकी पीसेस उतारने ना पड़े। टेक इट एंड वी बेसिकली पुट इट लाइक दिस, जहाँ पे हमें सेध कर दी, गुड हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ आपको बताता हूँ, आपकी बार ना, ये देखो पहले कल चिपक रहा था ना, आपकी बार जो हम उतार रहे हैं इनकी बैकिंग है, कल ये छोटी छोटी ईंटें किसी और डिज़ाइन के काम आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे फर्ज करिए ये हमारी बॉटम है, तो सबसे निचले वाला हिस्सा है, वी आर लिटरली गोइंग टू गेट अ पीस, ठीक है, और जहाँ से वो शुरू होता है ना, यहाँ हम लगाना शुरू कर देंगे। और एक और चीज़, हम ये पहले से काट के भी रखते हैं, अब फर्ज करिए मुझे लगाना ही है, ठीक है, अब आपको पता है कि यार ये पीस यानी मैं काटूंगा 100% जहाँ पे भी लगाऊंगा ना, ये हमारे काम का नहीं है। सो लुक दिस, इसको आप दीवार पे चिपकाने से पहले ही साइड पे रख दें काट के, ठीक है, जब दीवार पीछे से पेंट उखड़ा है सानू की डज नॉट मेक अ डिफरेंस, हम वैसे ही इसको कवर कर रहे हैं। और अगर आप ये जो मैंने पेंट उतार के यहाँ पे फेंका ना, इसकी यार देखो कितना ये गार है, हर ब्लेमिश, हर हमारा जो वो थोड़ा सा मारा होगा ना चीट शीट, उसको ये छुपा देगा इंशाल्लाह। एंड आई वांट यू मिलियनेयर, अगर आपको कुछ आता है इतना अच्छा आता है कि यू फील लाइक लोग सही नहीं कर रहे, वीडियोस बनाओ जिस तरह मैं अभी बना के दे रहा हूँ, आई गारंटी यू कि कई हज़ार लोग इससे मुफीद होंगे इंशाल्लाह। और ये एक चीज़ है ना जिसमें वो बेहतर होंगे, बाद में दिल गेट बेटर एट अदर थिंग्स एज वेल, ये करके उनमें हौसला बढ़ेगा वो यार ये डिज़ाइन मैंने भी अपने घर लगाना है। तो कितने में लगा है, कुछ भी नहीं है, 1000-2000 रुपये में ये दीवार जो है हमारी तैयार हो जाएगी, पेंट का खर्चा लेता, ठीक है। ये जो बंदा दूसरी साइड पे ड्रिल इस्तेमाल कर रहा है जिसकी आवाज़ आ रही है, वो उसका नाम जिशान है, वो मेरे असिस्टेंट है इन कामों के लिए, वो बाकी मुकम्मल कर देंगे एंड देन आई शो यू हाउ टू पेंट इट। लो जी मिलियनेयर, पीछे मेरी दीवार पेंट हो चुकी है, एज यू कैन सी बहुत बेहतरीन लग रही है, देयर इज नो शॉर्ट कमिंग्स इन इट। एक अदना सा स्किल था जो एज आपका बतौर बड़ा भाई मैंने आपको सिखा दिया इस वजह से, ताकि आप में क्या कहते हैं हौसला पैदा हो। अगर आप ये दीवार खड़ी कर सकते हैं दैट मीन्स यू कैन सेंड रॉकेट्स टू स्पेस, अगर आप चाहें, अगर आप उस पर जोर लगाएं, पर रॉकेट स्पेस में नहीं भेजने, थोड़ी सी इससे ज़्यादा तगड़ी चीज़ सीख के अपना हौसला बढ़ाते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ, इसको असली तालीम बोलते हैं। And like I told you, बड़ा भाई हूँ इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, जाओ छा जाओ मेरे बब्बर शेर मिलियनेयर, और ये ज़रूर अपने घर लगाइएगा, अपने बेगमात को, अम्मियों को, बहनों को बना के दीजिएगा, इट विल रियली अप्रीशिएट इट। और अगर औलाद के साथ करें, फैमिली के साथ करें, तो इट वुड बी अ ग्रेट नाइट इन, रेस्टोरेंट में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना यहाँ भी, 2000 से कम खर्चा आया साढ़ा।